हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो यार बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ, आ गया है रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2021 का आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट। रिवाइज्ड की आ चुकी है भाई, रुको जरा, कुछ नहीं आया है। ठीक है, वायरल नोटिस है एक प्रकार का, जिसमें बताया गया है कि जो आपका एनटीपीसी का जो रिजल्ट है वो एक नोटिस वायरल है, जिसमें 10 सितंबर को जो है आपका रिजल्ट आने वाला है। उसमें ये बताया गया है सोशल मीडिया पर जो है ये नोटिस इतना ज़्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में और यूट्यूब पर भरा पड़ा हुआ है ये नोटिस। तो क्या है ये नोटिस, पूरा हम इसकी डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरीके पर हम इसको गलत साबित कर सकते हैं। पूरी इसको आपको ऑफिशियल जो है जानकारी दी जाएगी। ठीक है, रिजल्ट जो नोटिस है वो रियल है और फेक है। तो चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ ऑथेंटिक ही जानकारी आपको दिया जाती है। ठीक है, तो चलिए हम आपको नोटिस दिखा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट्स होती है उस पर मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ कि ये नोटिस एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता, ये वहाँ पर है भी या नहीं भी। ठीक है, तो चलिए मैं ऑफिशियल ले चलता हूँ आपको। ठीक है, मैं अपना नेट ओपन कर लेता हूँ, बैग जाता हूँ, गूगल पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए आरआरबी भोपाल में सर्च करता हूँ। ठीक है, यहाँ से आरआरबी भोपाल पे जा रहा हूँ, ऑफिशियली जा रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, ये खुल गया। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये दिख रहा होगा आपको CEN 1 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी वाला। ठीक है, मैं इस पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इस वाले पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू ऑल अपडेट्स। ठीक है, तो अपडेट देखिए यहाँ पर 31 सितंबर का अपडेट दिया मात्र, और उससे पहले का है, और उस जो नोटिस लिखा था उसमें 3 सितंबर का था, यानी कि वो बिल्कुल फेक नोटिस है यार। कहीं तो देता, कोई सी भी आप 18 आरआरबी से उनको चेक कर लीजिए, कहीं पे भी आपको नोटिस नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको लास्ट जो नोटिस दिख रहा है वो एग्ज़ाम फी के रिगार्डिंग है, जो कि मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया था। देखिए मैं दिखा देता हूँ फिर से। ठीक है, एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए, इस पर आपको डेट दिख रही थी 3 सितंबर, जबकि देखिए ये मैंने डाउनलोड किया था जो कि आपका आया था 13/8/2021 को, और ये वाला जो आया 31/8 को आया, जो कि मैंने आपको दिखाया था एनटीपीसी रिफंड वाला। तो अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, ये बिल्कुल फेक है। ठीक है, और मैं इसकी पुष्टि करूंगा अभी आपको आगे, देखिए वीडियो में बने रहिएगा। तो ये देखिए, ये है वो नोटिस जो कि सर्कुलेट हो रहा है, तो मैं इसको पढ़ के दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, CEN 1 2019, यानी कि एनटीपीसी वाला है। ठीक है ना, फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेट CBT 1 करके रिजल्ट नोटिस देखिए दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपको लगेगा ऑफिशियल नोटिस है यार, बिल्कुल मतलब सेम टू सेम चल रहा है ये चीज़, है ना। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी देखिए मतलब बिल्कुल सेम टू सेम डेट टू। अब मैं देखिए आपको एक नोटिस दिखाता हूँ, कौन सा वाला, जो NTPC ने अभी आंसर की जारी की थी उसके रिगार्डिंग एक जारी किया था उसमें। ठीक है, तो उसमें देखिए ये जारी किया था CEN 1, देखिए तो बिल्कुल उसके डिट्टो जैसा आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल यही सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, बिल्कुल डिट्टो। तो इस आधार पर तो आप कुछ कह नहीं सकते इसको देखकर, बट हम जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया और इसकी जो लाइनिंग है वो देखी, देखिए ये वाली लाइनिंग देखिए, ये वाली लाइनिंग सीधी सीधी, देखिए थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा आपको, ये टेढ़ा, ये देखिए ये तो मतलब ऐसे चल रहा है बिल्कुल ऐसे ऐसे। बट अब जब ऑफिशियल नोटिस आप देखेंगे तो उसमें देखिए ये चीज़ देखिए आप, ये देखिए ये बिल्कुल आपको पैरेलल दिखे, मतलब बिल्कुल एक सीट। अब मैं एक और नोटिस दिखाता हूँ, देखिए ये भी एक और ऑफिशियल नोटिस है जो कि कल ही जारी किया गया था, सॉरी कल नहीं, 31 अगस्त को, जो कि आपका NTPC रिफंड का था। ये देखिए इसमें भी सिक्वेंस वाइज चल रहा है, देखिए कुछ भी आगे पीछे नहीं हुआ इसमें बिल्कुल। ठीक है, तो पहली मिस्टेक ये हो गई। दूसरी मिस्टेक ये देखिए, ये आपको कैसे दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, यानी लैंडस्केप मोड में दिख रहा है, बट जो रेलवे हमेशा जारी करता है वो वर्टिकली करता है, देखिए इस तरीके से बड़े बड़े करता है, ना कि लैंडस्केप में करता है। ये देखिए ये भी बड़ा बड़ा है। ठीक है, तो दूसरी मिस्टेक, ठीक है दूसरी मिस्टेक ये हुई। ठीक है, बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी आपको, बिल्कुल आधारित। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके आपको मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आंसर की हमारे चैनल पर आई, जैसे ही आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी, हम आपको तुरंत जो है उससे अवगत करा देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल ही। ठीक है, तो अब देखिए तीसरी मिस्टेक मैं दिखाता हूँ, इसमें क्या दिखाया गया, इसमें यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि देखिए द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर NTPC पोस्ट अगेंस्ट CEN 1 वॉज कंडक्ट फ्रॉम, देखिए 28/12 से इसके उधर, इसमें नियरली 57.27 लाख कैंडिडेट्स जो है वो अपेयर हुए थे, अपेयर्ड फॉर CBT 1। ठीक है, अपेयर्ड फॉर CBT 1। अब देखिए दो नोटिस दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर देखिए जो आपका कंडक्ट हुआ था 28/12 से, यहाँ पर देखिए कोई डेटा नहीं दिया गया 57 लाख का। ठीक है, और अपेयर्ड इन लिखा है, देखिए अपेयर्ड इन और 57 लाख। ठीक है, छोड़िए इसको छोड़िए, चलो दूसरा देखते हैं ऑफिशियल, ये वाला वो वाला फेक था, ये ऑफिशियल है। ठीक है, ये देखिए मतलब यहाँ से देखिए नीचे दिखाता हूँ आपको, हाँ ये देखिए अपीयर्ड इन करके दिखा रहा है, यहाँ पर भी अपीयर्ड करके दिखा रहा है, यहाँ पर भी देखिए
रिमाइंडर नोटिस कैंडिडेट्स हु हैव अपियर्ड, यहाँ पर भी कोई डेटा नहीं दिया गया है और अपियर्ड इन दोनों जगह दिखा रहा है आपको, बट इसमें क्या दिखा रहा था, अपियर्ड फॉर, यानी के लिए। के लिए कैसे हो जाएगा भाई, अपियर्ड इन शामिल हुए थे उसमें, ठीक है ना। ठीक है, एक ये मिस्टेक। अब चलिए तीन मिस्टेक हो गई, चौथी मिस्टेक देखते हैं। यहाँ पर देखा था कि ऑब्जेक्शन रेज वॉज प्रोवाइड ऑन द वेबसाइट, जो आंसर की के लिए ऑब्जेक्शन था उसकी लिंक 16 अगस्त से 23 अगस्त तक थी, बट जब आप ऑफिशियल नोटिस देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि ऑब्जेक्शन रेज की जो आंसर की थी वो 18 से शुरू होकर 23 तक थी। देखिए रेजिंग ऑप्शन अगेंस्ट, ठीक है ना। तो ये हुई चौथी मिस्टेक, ठीक है। और मतलब अब क्या ही बोले यार इनको, तीन से चार चार मिस्टेक मैं आपको दिखा चुका हूँ पूरी, तो उस आधार पर बिल्कुल ये कैंसिल कर दिया जाता है, बिल्कुल ये फेक है, इस पर आप विश्वास ना करें। अपना जो CBT 2 का है उसे जारी रखें, और मैं जल्द ही CBT 1 का जो एक कट ऑफ तो नहीं लेके आऊँगा, बहुत से लोग जो है कट ऑफ लेकर आ रहे हैं बट वो कुछ नहीं है, कुछ आपको पागल बनाने में तुले हुए, बट मैं कट ऑफ नहीं लेके आऊँगा, मैं आपको एक ऐसी बात बताऊँगा जिससे हो सके आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी आपको 1 से 2 दिन में वो वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैं बताऊँगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्यों हो सकता है, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। मैं कट ऑफ नहीं बताऊँगा, उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा जिससे आपको लगेगा हाँ वाकई में मुझे एक पॉजिटिव जो है अप्रोच मिली। अगर आपके 30 नंबर हैं, 40 नंबर हैं, तब भी मैं आपको एक पॉजिटिव थिंक दे सकता हूँ, ठीक है ना, CBT 2 के लिए, ठीक है। तो ये वाला तो नोटिस अभी देखिए बिल्कुल जो है खंडित हो चुका है। तो अब आपको आ रहा होगा रिजल्ट कब तक आ सकता है, अगर तो आपको कहीं ना कहीं सितंबर एंड तक या मिड सितंबर तक रिजल्ट देखने को मिल सकता है, मिल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि NTPC है, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। अभी ऑब्जेक्शन रेज हुआ है तो लगभग 10 सितंबर तो ऑब्जेक्शन रेज ही चलेगा, ठीक है ना, 5 से 10 सितंबर, तो उसके बाद ही जो है आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, लगभग 20 सितंबर के बाद जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये जैसे ही आएगी मैं आपको अवगत करा दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और आने वाली वीडियो के लिए बेल के आइकन को दबा लीजिएगा। यही वीडियो था, तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।